नोनी की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हमारे घर में सबकी फेवरेट और मेरी पर्सनल फेवरेट राजमा चावल। तो बेसिकली मैंने राजमा यहाँ पे अराउंड 6 to 7 hours पहले भिगो दिए थे और इसको भी हम उबालेंगे सिर्फ नमक ऐड करके। और उसके बाद मैंने 4 टमाटर लिए हैं, 2 बड़े प्याज, 4 से 5 हरी मिर्ची, 8 to 9 गार्लिक क्लव्स एंड 3 inch जिंजर। तो अभी हम बेसिकली हमारे राजमा उबालने जा रहे हैं। मैंने इसमें राजमा के हिसाब से उसका डबल थोड़ा कम पानी लिया है और मैं अराउंड 2 spoons नमक डाल के इसको उबालने रख दूँगी। मैं नमक के अलावा इसमें और कुछ नहीं डालती। यूजुअली लोग हल्दी भी डालते हैं बट उससे कलर फिर उसका चेंज हो जाता है, तो आई यूजुअली अवॉइड। मैं सिर्फ नमक डाल के इसको बॉयल करती हूँ। ये मैंने इसे रफली अभी सब मसालों को प्याज टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्च इन सबको रफली चॉप कर दिया है। मैं उसको भी ग्राइंड करने जा रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ मैंने राजमा जो रखे थे उबालने अराउंड 4-5 विसल्स लगा ली थी तो वो अच्छे से गल गए हैं, आप देख सकते हैं ऐसे। अब जैसे हमने ग्राइंड कर लिया है हमारा मसाला वो इस तरह से पूरा ब्लेंड हो चुका है, अच्छे से पेस्ट बन चुका है। मैंने यहाँ पे साइमल्टेनियसली पैन भी रख दिया है अराउंड 4 बड़े चम्मच तेल डाल के। इस मैंने थोड़ा जीरा ले लिया है, उसको हल्का सा मसल के इसे डाल देंगे। अभी हम डालेंगे हमारा पेस्ट जो बनाया है हमने वो मसाला। थोड़ा हमें मसाले को पहले हल्का सा सौटे करना है। मीडियम हाई फ्लेम पे ट्राई कीजिएगा कि ये करे सौटे। मैं अभी सिर्फ डाल रही हूँ उसमें लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार डालना है, आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से। मैं बिल्कुल भी हल्दी यूज़ नहीं करती राजमा में क्योंकि वो उसका कलर पूरा चेंज हो जाता है। मुझे रेड कलर जो ग्रेवी होती है वो ज़्यादा स्वाद लगती है और अच्छी लगती है दिखने में, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि सिर्फ दाल मसाला लेके उसी में बनाऊँगी सब्जी। और अभी इसे हमें ढक देना है और अराउंड 10 मिनट्स तक मीडियम हाई फ्लेम में पकने देना है। जैसे आप देख सकते हैं मेरा मसाला अच्छे से भून गया है, मसाले ने पूरा तेल अच्छे से छोड़ दिया है। अब मैं यही मसाला जो हमारा राजमा मैंने बनाया है उसमें डाल दूँगी। राजमा मेरे इस साइड ले लेती हूँ, राजमा अच्छे से गल गए थे देखिए, उसमें डाल दूँगी थोड़ी थोड़ी। मसाले को अच्छे से मिला के स्टोर कर लीजिए। मसाला अच्छे से मिला के हमें कुकर फिर से बंद करके एक और सीटी लगाएंगे। इससे क्या होगा, आपका जो मसाला है वो राजमा के साथ अच्छे से मिल जाएगा और एक अच्छा स्वाद देगा। हमारी अभी एक सीटी हो गई है, अभी आप देख सकते हैं मेरा मसाला जो मैंने ऐड किया था राजमा के साथ वो अच्छे से घुल गया है और मेरी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी और अच्छे से एक रेड कलर आ गया है। आपका राजमा रेडी है। बस अभी गार्निशिंग के लिए डाल रही हूँ फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर, एक अलग मुकाम देखने को मिला। इसको हम सर्व करेंगे गरम गरम जीरा राइस के साथ। तो अभी हमारा राजमा बनके रेडी हो गया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।